फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी के 38वें स्थापना दिवस को उद्योग मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मौके पर बीजेपी नेता अशोक गोयल और अमन गोयल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अशोक गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म सत्ता की भूख से नहीं हुआ बल्कि सेवा के संकल्प से। बीजेपी ने 2 सांसदों की संख्या से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का सफर तय किया है। वहीं अमन गोयल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मिलकर 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आतंकवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी और गंदगी मुक्त न्यू इंडिया बनाने का संकल्प पूरा करना है। उन्होंने कहा कि आओ बीजेपी को अपने लहू से सींचने वाले उन पुरोधाओं को भी आज प्रणाम करें जिन्होंने हमें शिक्षा दी कि बीजेपी कार्यकर्ता के लिए परिवार से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत से हुआ है और उन्हीं सिद्धांतों पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असंख्य कार्यकर्ता अंतिम छोर तक अंधेरा हटाएंगे और कमल खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है।